गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो वीडियो वो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि कौन सी डेट वो चूज़ करें जुलाई मंथ में, क्योंकि चार डेट्स अवेलेबल हैं इस मंथ में, तो कौन सी डेट को वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके जो बैंड्स हैं वो आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 6th of July की। 6th of July को रीडिंग जो होगी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होगी, बाकी जो मॉड्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, आप आराम से बैंड्स ले सकते हो। लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी रीडिंग सही नहीं है तो आप 6th of July का एग्ज़ाम ना फिल करें। तो बाकी जो अलग वीडियोस होती हैं स्पेशल प्रेडिक्शन की, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा अपलोड की हैं यूट्यूब चैनल पे। तो नेक्स्ट जो डेट बनती है वो बनती है 15th of July। तो जिन बच्चों की जो रीडिंग है वो मॉडरेट लेवल की है तो वो उस दिन एग्ज़ाम जो है वो फिल कर सकते हैं 15 जुलाई को, क्योंकि इस दिन जो रीडिंग है वो थोड़ी सी इजी आ सकती है, क्योंकि उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर मॉड्यूल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट आ सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें राइटिंग की, उस दिन जो टास्क आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो इसलिए आप 15th of July का आज का एग्ज़ाम दे सकते हो जिन बच्चों की रीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, बाकी मॉड्यूल ठीक है। बात करते हैं 22nd, उस दिन भी जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा इजी आने के चांसेस हैं। दो मॉड्यूल इसमें इजी आएंगे, एक जो होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ सकता है। अगर मैं बात करूँ लिसनिंग थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ सकती है, स्पेशली पार्ट 4th, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वरना 22nd of July का आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29th of July के। इस दिन अकेडमिक और जनरल दोनों का एग्ज़ाम है, तो इस दिन जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आने के चांसेस हैं, चाहे वो रीडिंग का हो चाहे वो अकेडमिक का स्टूडेंट हो। तो रीडिंग पे अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फिल किया हुआ है 29th of July का। तो आप इस डिस्कशन के बाद फैसला ले सकते हो कि कौन सी डेट आपके लिए सही रहेगी। थैंक यू।